हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, यानी कि हिमाचल में दो ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी के अंडर है, यूनिवर्सिटी में है बल्कि, एंड दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दो जो धर्मशाला में है। तो ये दो ही कॉलेज हैं जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ से आप हिमाचल में बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। इसके अलावा 75 जो हैं प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 1,05,000 के तकरीबन इसकी फ़ीस रहती है जो 2 सालों की। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है, कि कितने चार्जेस लगेंगे एनुअली, यानी कि 1 साल के। तो सबसे पहले देखेंगे हम यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीस लगती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन की यहाँ पे एडमिशन चार्जेस हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन फ़ीस है जो कि एक सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है, जो रिफंडेबल होती है, ये 300 रुपीज़ लगती है। एंड इसके बाद एडमिशन फ़ीस जो होती है 150 रुपीज़ ओनली। इसके बाद लाइब्रेरी सिक्योरिटी होती है जो रिफंडेबल होती है, इसको भी आप बाद में जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है उस टाइम आप रिफंड ले सकते हो इसका। तो 300 रुपीज़ यहाँ से इसके चार्ज होते हैं लाइब्रेरी सिक्योरिटी के। तो ये ग्रैंड टोटल बनता है इनका 750 रुपीज़, जिसमें से 600 रुपीज़ आपकी सिक्योरिटी के ही होते हैं जो आपको बाद में रिफंड हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं एनुअली चार्जेस जो साल में एक बार लगते हैं, जो इसमें जो चार्जेस जैसे आप सब आपके सामने हैं, मेडिकल फ़ीस हो गया, स्पोर्ट्स फ़ी हो गया, 100, 50, 50, 20, 50। तो ये चार्ज रहते हैं जैसे यूथ वेलफेयर फंड, आइडेंटिटी कार्ड फंड, मैगजीन फंड, कल्चरल एक्टिविटी फंड, रेड क्रॉस फंड, 50-50 रुपीज़ इनके चार्जेस रहते हैं। छोटे छोटे चार्जेस जैसे कॉमन चार्जेस, कॉमन रूम फंड का रहता है, जैसे कॉमन रूम फंड है इसके बाद तो 50-20 रुपीज़ इसके, रेड क्रॉस फंड 20 रुपीज़। तो ऐसे छोटे छोटे चार्जेस, एक्सटेंशन लेक्चर्स 200 रुपीज़, परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट यानी ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं एंड मेंटेनेंस के 600 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं, यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हम टीचर जो धर्मशाला में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है इसकी, इसके बाद हम बताएंगे उसकी फ़ीस। ये इनके चार्जेस हैं। टीचिंग प्रैक्टिस के 300 रुपीज़ हैं, हाउस एग्जामिनेशन के 600 रुपीज़ चार्जेस करते हैं, डेवलपमेंट फंड IRDP और जनरल के लिए अलग फीस रहती है, जनरल के लिए डेवलपमेंट फंड 500 रुपये हैं और IRDP के लिए 250 रुपीज़ है, जो उसका ग्रैंड टोटल बनता है 5,650 बनता है जनरल के लिए, 5,310 बनता है IRDP और BPL वालों के लिए। इसके बाद मंथली चार्जेस रहते हैं जिनको वो साल में एक ही बार लेते हैं, परंतु वो मंथली कैलकुलेट कर करके तो इतना बनता है, जैसे 100 रुपये ट्यूशन फीस पर मंथ लगती है तो 1,200 रुपये एक साल का बनता है। इस प्रकार के चार्जेस रहते हैं, जैसे कंप्यूटर फीस 2,400 रुपये कंप्यूटर फीस रहती है, पॉपुलेशन एजुकेशन क्लब फीस रहती है 120 रुपये। तो इस प्रकार के ये चार्जेस रहते हैं जिनका टोटल बनता है 5,040 रुपये, ठीक है, इसका ग्रैंड टोटल बनता है। तो इन सभी को मिलाकर जब हम एनुअली फ़ीस कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करके जो फ़ीस बनती है वो एनुअल फ़ीस फॉर बॉयज़ के लिए जो बनती है 11,350 रुपये आपके एनुअली लगेंगे अगर आप यूनिवर्सिटी से बीएड करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। इसके बाद जो एनुअल फ़ीस गर्ल्स की लगेंगी, उसमें आप उनकी 10,150 रुपये फ़ीस गर्ल्स की लगेंगी। एंड जो BPL कोटे से हैं या IRDP, तो उनकी 11,100 रुपये फ़ीस लगेगी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके बाद जिनको धर्मशाला कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला, उनके फ़ीस कितनी लगती है? तो धर्मशाला के से जो बीएड जिनको धर्मशाला मिलेगा उनकी जो फ़ीस रहेगी बॉयज़ के लिए, जनरल बॉयज़ के लिए फ़ीस रहेगी कि जो कैंडिडेट हैं हिमाचल प्रदेश रेजिडेंशियल है यानी जो बॉनफाइड हिमाचली हैं, जो अदर स्टेट से नहीं है, उनकी फ़ीस रहेगी 8,810 रुपये, ओके, और गर्ल्स की रहेगी 7,610 रुपये। तो गर्ल्स और बॉयज़ का तकरीबन 1,000 रुपये की फ़ीस का फ़र्क है। और जो जनरल गर्ल्स हैं जिनका IRDP या BPL का कोटा है ऑफ हिमाचल प्रदेश से जो बोनाफाइड हैं, उनका 7,610 रुपये फ़ीस लगेगी, ठीक है। और जो जनरल बॉयज़ हैं IRDP BPL, उनकी 8,560 रुपये फ़ीस लगेगी जो BPL या IRDP कोटे से हैं, पर होने चाहिए हिमाचल प्रदेश की रेजिडेंशियल यानी बोनाफाइड, अदर स्टेट वालों की फ़ीस लगेगी गर्ल्स एंड बॉयज़ की 8,810 रुपये, ओके, ये रहेगा चार्जेस। इसके बाद चार्जेस लगते हैं, मान लीजिए आपने इस यूनिवर्सिटी आपने ना ग्रेजुएशन करी है ना पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में पहले नहीं हुई है अगर, तो आपको 750 रुपीज़ चार्जेस आपके लगेंगे रजिस्ट्रेशन के। अगर आपने आपने मास्टर्स डिग्री या आपने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री HPU से की हुई है पहले, तब आपकी रजिस्ट्रेशन पहले हो जाती है, हो गई होनी, तो अब आपके ये चार्जेस नहीं लगेंगे।
ठीक है, और साथ में आपकी 100 रुपीज़ स्पोर्ट्स फ़ी लगेगी। ओके, तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं। तो ये थे फीस स्ट्रक्चर HPU डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला का फीस स्ट्रक्चर। ओके, तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, अगर आपकी गवर्नमेंट सीट मिलती है आपको तो आपकी कितनी फ़ीस लग सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस के भी अगर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं प्राइवेट कॉलेजेस के भी फ़ीस के बारे में आपको वीडियो दे दूंगा। आपके कितने मार्क्स हैं एंट्रेंस में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, सो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।